सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे इनमें से कौन सा फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? इन्फ्लुएंस स्पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन टू सेल, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर और वार्मिंग ऑफ एयर। तो दोस्तों हमने भी देखा था, फंक्शंस देखे थे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या क्या था। तो इन्फ्लुएंस स्पीसीज ये भी था उसका, देन फिल्ट्रेशन भी करता है एयर की ये भी था, वार्मिंग भी करता है एयर की ये भी था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन टू सेल। तो आपको लग रहा हो दोस्तों ये भी होता है, तो ये नहीं होता है दोस्तों। हमारी ऑक्सीजन सेल को हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करता डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बी रहेगा, कि जो बी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो सप्लाई करता है ना सर। नहीं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड को, ना कि सेल को। सेल को हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो करता है ब्लड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देता है और ब्लड जाके हमारी सेल्स को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन दूर होगा। तो हमारे रेस्पिरेटरी के सिस्टम के फंक्शन ये तीनों हैं, ना कि ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉमन नेम ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का कॉमन नेम क्या दोस्तों? ट्रेकिया हमने देखा था, ये वाला जो विंड पाइप जिसे बोलते हैं ये ट्रेकिया होता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? अरे मैंने बोल ही दिया यार, विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया का कॉमन नेम क्या? विंड पाइप। अगली बात करेंगे, द स्ट्रक्चर नोन इज द एडम्स एप्पल। हमने पढ़ा था एडम्स एप्पल किस, जिसका शेप एप्पल जैसा होता है, क्या थी वो? कौन सी? हमारे गले के पास थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। जो हमारी थायराइड कार्टिलेज वो हमारी एडम्स एप्पल के नाम से जानी जाती है। अगली बात करें, द स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकियल आर, ब्रोंकियल ट्री आर द, सबसे छोटी ब्रांचेस। हमने देखा था कि प्राइमरी, टर्सरी, देन फर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांचेस के बाद जो एक और ब्रांच हुई थी उनमें से डिवाइड, वो कौन सी थी? एक ही तो बची, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर, सबसे छोटी ब्रांच इसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद वो एल्विओलाई में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगली बात करेंगे, द फ्लैफ और ओपनिंग टू द ट्रेकिया इज, तो हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग कहाँ होती है ट्रेकिया वाले हिस्से की? फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, एपिग्लोटिस और वोकल कॉर्ड में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारी एपिग्लोटिस जो होती है वही हमारी ट्रेकिया की ओपनिंग होती है वहीं पे, ठीक है ना, जो कि हमारे फूड को और एयर के पासेस को जो होती है सेपरेट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट नेजल केविटीज द, हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर जो कि हमारी लेफ्ट और राइट केविटी को सेपरेट कर रहा था, क्या नाम था? सेप्टम, है ना, याद होगा आपको अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। द इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द पेलेटाइन बोन ड्यूरिंग जेस्टेशन इज नोन एज, पेलेटाइन बोन्स अगर जैसा मैंने बताया था कि अगर ठीक से फॉर्म नहीं हो पाती, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या थी? क्लेफ्ट पेलेट, मैंने बताया था, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग मतलब निगलने में और बोलने में दिक्कत आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, दैट इज ड्यूरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, जब हम सांस अंदर लेते तो क्या नहीं होता? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इंटरकोस्टल रिफ्लेक्स नहीं होगा, डायफ्राम फ्लेटेंट होकर नहीं होगा, या फिर साइज ऑफ थोरेक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या हुआ था दोस्तों जब हम इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या फ़र्क होता है? दैट इज नाइन क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज द बेस्ट एनालॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द बेस्ट एनालॉजी फॉर रेस्पायरेशन? एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गिविंग अ गिफ्ट, रिसीविंग अ गिफ्ट, सिटिंग इन अ चेयर, इनमें से कौन सी एक्टिविटी हमारी रेस्पिरेशन के लिए बेस्ट एनालॉजी रहेगी? मतलब कि इनमें से कौन सी जो है क्या बोलूँ मैं, एक्शन जो कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छे से मतलब दर्शा सकता है, उसको बारे में बता सकता है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट, गिविंग अ गिफ्ट, रिसीविंग अ गिफ्ट या सिटिंग इन अ चेयर? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन दो, तो ये इस तरह से एक तरह से एक्सचेंजिंग गिफ्ट की तरह ही होती है, ठीक है, जिसमें हमारा ब्लड हमारे गिफ्ट देता है हमारे लंग्स की एल्विओलाई को, और लंग्स की एल्विओलाई गिफ्ट में क्या देती है? ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इस तरह से एक्सचेंजिंग गिफ्ट होती है, ठीक है। एयर इज फोर्स इनटू द लंग्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द,
ठीक है, तो हमारे किस चीज के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमारी एयर हमारे लंग्स में फोर्स्ड होती है, एल्विओलाई के कॉन्ट्रेक्शन की, ब्रोंकियल डायफ्राम या फिर हार्ट। कितना सरल क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन रख दिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो हमारे एयर एयर लंग्स के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ख़त्म MCQs और पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगर आप MCQs की वीडियो ये देखी है तो आप इसकी पल्मोनरी वाली भी पूरी ज़रूर देखें एंड टू एंड। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आज की में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और सिस्टम लेके। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।